हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा। आज मैं आपको शक्करपारे बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। इन्हें आप होली, दिवाली या किसी भी फेस्टिवल में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। यह स्वीट बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। बच्चे हो या बड़े, सभी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। यह खाने में काफी टेस्टी लगते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है। शक्करपारे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जो कि क्वांटिटी में लगभग 250 ग्राम है, इसे मैंने छान लिया है। 1/4 कप देसी घी, जो कि क्वांटिटी में लगभग 60 ग्राम है। 1 कप चीनी, जो कि क्वांटिटी में लगभग 250 ग्राम है। शक्करपारे फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। आप चाहे तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। और मैदा गूंथने के लिए पानी। सबसे पहले मैं शक्करपारे बनाने के लिए मैदा गूंथ कर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए एक बड़े बर्तन में मैदा और देसी घी डालकर हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने यहाँ मैदा में देसी घी का यूज मोइन के रूप में किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देने से शक्करपारे काफी खस्ता बनते हैं। मैदा की तुलना में मोइन को 1/4 मात्रा में लिया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ मैदा को 250 ग्राम और देसी घी को 60 ग्राम लिया है। मैदा और देसी घी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पानी हमें एक साथ ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो डो गीला हो जाएगा और शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे। डो हमें पूड़ी के आटे से भी ज्यादा सख्त गूंथना है। डो गूंथकर तैयार है। देखिए कितना सख्त डो बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे 20 मिनट ढककर सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर डो को एक बार और मसल लेती हूँ। शक्करपारे बनाने के लिए डो तैयार है। अब मैं इस डो से 2 बड़े साइज की लोइयां बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लोइयां बनकर तैयार हैं। अब मैं पहली लोई को बेलकर तैयार कर लेती हूँ। लोई को हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है। पहली लोई बिलकर तैयार है। मैंने इसे इतना मोटा रखा है। अब मैं इसे नाइफ की सहायता से स्क्वायर शेप में काट लेती हूँ। आप इसे अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी शेप में काट सकते हैं। शक्करपारे कटकर सिकने के लिए तैयार हैं। अब मैंने एक प्लेट में निकाल देती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी लोई से भी शक्करपारे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। शक्करपारे सेकने के लिए तैयार हैं। अब मैं शक्करपारे फ्राई करने के लिए पैन गरम करने रख देती हूँ और रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल की क्वांटिटी हमें इतनी लेनी है कि शक्करपारे डीप फ्राई हो जाएं। ऑयल हल्का गर्म हो चुका है।
गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देती हूँ और इसमें शक्कर पारों को डालकर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो शक्कर पारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। इन्हें हमें बीच बीच में अलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकना है। शक्कर पारे चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के सिक चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं बचे हुए शक्कर पारों को भी सेक लेती हूँ। बचे हुए शक्कर पारे भी चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के सिक चुके हैं। अब मैं इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। शक्कर पारे सिककर तैयार हैं। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं शक्कर पारों के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए पैन गरम करने रख देती हूँ और इसमें 1 कप चीनी और आधा कप पानी डाल देती हूँ। पानी की मात्रा हमें चीनी की मात्रा से जस्ट आधी लेनी है। चीनी को हमें घुलने तक पकाना है। चीनी घुल चुकी है। अब मैं इसे 2 तार की चाशनी बनने तक पकाऊंगी। 2 तार की चाशनी जमने जैसी कंसिस्टेंसी वाली होती है और शक्कर पारों पर अच्छे से कोट होकर ड्राई हो जाती है। अब मैं चाशनी चेक कर लेती हूँ। चाशनी में 1 तार बन रहा है। अब मैं इसे थोड़ी देर और पका लेती हूँ जिससे कि चाशनी 2 तार की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब मैं चाशनी फिर से चेक कर लेती हूँ। चाशनी में 2 तार बनने लगे हैं। शक्कर पारे बनाने के लिए चाशनी बनकर तैयार है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें शक्कर पारे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। शक्कर पारों को लगातार चलाते रहना है जिससे कि चाशनी चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। शक्कर पारों में चाशनी अच्छे से कोट होकर ड्राई हो चुकी है। शक्कर पारे बनकर तैयार हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। शक्कर पारे बनकर तैयार हैं। आप इन्हें 2 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रखकर एंजॉय करें। शक्कर पारे बनकर तैयार हैं। आप इन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपके पास मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।